म्यूजिक लाइव विद पी हू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है और खूब बारिश हो रही है। हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? अपने घर को सजा कर। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सिंपल इजिएस्ट DIY जिससे आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। आज मैं एक प्लांटर और 2 वॉल डेकोर आपको बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पहले DIY के लिए मैंने यहाँ लिया है एक आइसक्रीम का डिब्बा जो कि खाली हो गया था। आप लोगों के पास भी होंगे इस तरीके के डिब्बे। तो अब हम इससे बनाने वाले हैं एक प्लांटर। इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन, वो भी वॉल पुट्टी की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लिया है जिसका एक बहुत फाइन डो बनाऊंगी मैं, और उसके बाद आप देखते चलिए कि कैसे मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट करके डिज़ाइन को बनाने वाली हूँ। वॉल पुट्टी को आप डायरेक्ट अगर अपने स्लैब पे या काउंटर पे रख करके बेलेंगे तो वो चिपक जाएगा। उसके बचने के लिए आप उसे एक पॉलिथीन के अंदर रख करके बेलिए ताकि वो स्टिक ना हो। अब मैं इस पूरे जो रोटी दिख रही है आपको पुट्टी की, इसको पूरे डिब्बे पे अच्छे से पेस्ट करूंगी और पानी की हेल्प से अपने फिंगर टिप से इसको इवन करते जाइए। ये आसानी से पूरे डिब्बे के ऊपर स्टिक हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो डिज़ाइन हमें इसके ऊपर बनानी है वो आपको हल्का पुट्टी जब गीला रहे तभी बनाना, क्योंकि पुट्टी सूखने के बाद, हार्ड होने के बाद आप उस पर डिज़ाइन तो बना सकते नहीं हैं। तो पहले हम अच्छे से पूरे डिब्बे के ऊपर ये लगाएंगे, और किसी शार्प चीज़ से आपको जो भी डिज़ाइन बनाना हो, मैं तो यहाँ बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ जैसा कि आपको दिख रहा है, आप अपनी मर्जी से कैसा भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। जब पूरे डिब्बे पे डिज़ाइन बन जाए तो आप इसे रात भर सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट डे आप चाहे इसे कलर कीजिए या फिर आप इसको वाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पुट्टी अच्छे तरीके से सूख गई है। अब मैं इसे सैंड पेपर से घिस करके इसको स्मूथ करूंगी। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ही खुरदुरा खुरदुरा सा ये सारा चीज़ सैंड पेपर से हल्के हाथ से आप रगड़ते जाइए और निकल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पुट्टी नीचे गिर रही है आप उसे उठा के रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो इसे वाइट भी रख सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर येलो एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाना था। आप इसको वाइट भी रख सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं। हमारा बहुत ही सिंपल सा और ब्यूटीफुल सा प्लांटर बनके रेडी है। हमारे सेकंड DIY के लिए मैंने यहाँ कैनवस लिया है। इसके ऊपर मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ, पूरे कैनवस के ऊपर मास्किंग टेप लगा रही हूँ। आगे का प्रोसेस आप देखते चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर मार्कर से ये एक डिज़ाइन बना लिया है। आपको जो भी डिज़ाइन बनाना हो आप उसको बना सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा ये एक फ्लोरल डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया है। अब मैं जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन की लाइन बनी हुई है आपको दिख रहा होगा उसे मैं इस क्राफ्ट कटर से काट रही हूँ। सारा मास्किंग टेप वहाँ से निकल जाएगा इजिली और आपका कैनवस बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आपको ये काम हल्के हाथ से करना है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और 1 by 1 हम सारे मास्किंग टेप को निकालते जाएंगे और वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा इसको रिमूव करने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका कैनवस बिल्कुल भी फटेगा नहीं, कटेगा नहीं। मैंने सारे फ्लावर्स के ऊपर अलग अलग एक्रेलिक पेंट के ड्रॉप डाल दी है
और अब उस सारे ड्रॉप को मैं मिला रही हूँ, जैसे मन आपका करे वैसे मिलाइए, और जो भी कलर आपको डालना है अपने फ्लावर में आप डालते जाइए, और एक अच्छे से स्पैचुला या फिर नाइफ से आप किसी भी चीज़ से उसको मिक्स करते जाइए। आप निकालते जाइए आराम से, वो भी निकल जाएगा, लेकिन पहले कलर को अच्छे से ड्राई होने दीजिए। प्यारा सा डिज़ाइन बन के निकल आया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं, आपको जिस कलर की मात्रा ज़्यादा रखनी है उस कलर के आप उसको उसमें ज़्यादा डालिए। अब मैं सारे डिज़ाइन के ऊपर गोल्डन 3D लाइनर से बॉर्डर बना रही हूँ। ये देखिए हमारा प्यारा सा एक वॉल डेकोर बन के तैयार हो गया है। आप इसे चाहे अपनी बेड के पीछे लगाइए या लिविंग रूम में लगाइए, और आप इसे फ्रेम भी करा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डबल टेप की हेल्प से आप डायरेक्ट भी हैंग कर सकते हैं। हमारा तीसरा DIY भी कैनवस से ही रिलेटेड है, और इस बार मैं एक वाइन की ग्लास बना रही हूँ कैनवस के ऊपर। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप देखते जाइए, आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, बट प्रोसेस आपको पूरा दिख रहा है अच्छे से। लिखने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर यूज़ किया है, और लिखने के बाद सारे अल्फाबेट्स को भी मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। और ये हमारा तीसरा वॉल डेकोर भी बन के रेडी हो गया है, इसे मैंने अपने किचन में प्लेस किया है। आई होप आपको तीनों DIYs बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको सारे आइडियाज पसंद आए तो प्लीज उसे अपने फैमिली और मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे भी मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं कुछ और आइडियाज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।